नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमलेंद्र और आप देख रहे हैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 25/11। दोस्तों, ये चैनल आपका है और इस चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भभुआ में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में नियोजित शिक्षकों ने समान काम समान वेतन को लेकर उनका रास्ता रोक लिया और उनसे समान काम समान वेतन पर कुछ सवाल करने लगे। तो चलिए मैं आपको बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा और नियोजित शिक्षकों के लाइव वीडियो आपको दिखाता हूं। और आपके सुरक्षा, आपकी रक्षा, आपका भविष्य, आपकी खुशहाली आप निराश मत होइए, आपके भले के लिए ही हम लोग सोचे। सर, एक मिनट, हम लोग बात हुई है सदन में। सर, पिछले बार जो सदन चला था उसमें माननीय मंत्री महोदय अवधेश कुमार सिंह जी के द्वारा सदन में जवाब दिया गया कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा मैं उसका सम्मान करूंगा। उस समय विपक्ष के तात्कालिक विपक्ष के नेता उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी खड़े होकर अपोज किए कि जब मामला उच्चतम न्यायालय ने इसको फैसला दे दिया है फिर उच्च न्यायालय के निर्णय की क्या जरूरत है। अब दोनों पार्टी सरकार में, सर, एक ने उच्चतम न्यायालय को माना था और एक ने सर उच्च न्यायालय को। फिर आप तो सुशील जी का करना चाहिए, हम लोग सरकार का कर रहे हैं। सर, सरकार का कर रहे हैं तो दो दिन के और सर का स्टेटमेंट आया एक दिन के, मैं शिक्षक पुत्र हूँ। सर, आपसे हम लोग विश्वास कीजिए, आप लोग आज मुर्दाबाद कर रहे हैं ना, जिंदाबाद आपके मुंह। हम लोग सर से जिंदाबाद, हम लोग का समान काम समान वेतन मिले। सर, बिल्कुल मैं आप लोग शांत रहिए, कल नाम बाहर से आता है कि मैं शिक्षक पुत्र हूं, नहीं तो मैं सम्मान करूंगा। दूसरे दिन हाई कोर्ट का न्याय आता है, सर मुकर गए, सर का बयान आया कि शिक्षक मेरे अंग है, दूसरे दिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। हम लोग कैसे माने सर की सरकार साथ में है? सर, आप तो आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है, आप लोग हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। हम लोग शुरू से कहते हैं और आपको भी इसको प्रमाणित किया है कि हम नीतीश कुमार के आदमी हैं। हम लोग भी आप लोग साथ दिया, हम लोग आपके प्रति संवेदनशील हैं, सहानुभूति सुप्रीम कोर्ट में। सर, सरकार चली गई, सर किस चीज सर? नहीं सर, आप उच्च न्यायालय कर रहे हैं तो आप भी डबल बेंच में आ रहे हैं। नहीं सर, डबल बेंच का ही फैसला है, डबल बेंच में ही रिट था। नहीं सर, या डबल बेंच में ही, या वैलिडिटी ऑफ एक्ट था, डबल बेंच में ही रिट हुआ था, हाई कोर्ट नहीं। नहीं सर, हम लोग सरकार का सर आश्वासन का मामला भी जाती है। सर, अगर कह देंगे तो हो जाएगा, की हो जाएगा तो बिल्कुल होगा। सर, प्रक्रिया सरकार से भरोसे पर कहिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों को हराऊंगा। सर, अगर जिताना होता तो यहाँ लागू हो जाता, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है। सर, सर जब माननीय मंत्री बने सर तो हम लोगों को आशा जगी और उम्मीद हुआ कि हम लोग नियोजित शिक्षकों को भी इक्वल वर्क इक्वल पे हम लोगों को जस्टिफाई होता है। सर की क्लास में आइए ना, पांच आदमी सर बोल चुके हैं ना, सरकार चलेगी। सर, हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं, सब छोड़ते हैं, तो आप चले जाएंगे। आइए, आप फिर से बात करेंगे।